वीडियो डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, सो प्लीज डोंट टेक सीरियसली। हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने की बात करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। बट मैं बताऊंगा, ये प्याज की तरह है बयान। प्याज जो पाकिस्तान में बड़ा नायाब है, बहुत महंगा है, उसी प्याज की तरह ये बयान है। इसमें परत है और उसके अंदर परत है और फिर उसके अंदर परत है। और अब मैं आपको बताता हूँ चक्कर क्या है। ख्वाजा आसिफ का ये बयान है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने वाला नहीं, डिफॉल्ट कर चुका। अच्छा, ये बात सबको पता है, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं डिफॉल्ट इसेंशियली क्या है। Pakistan does not have the foreign exchange reserves, does not have the dollars to cover its imports. अब ये झूठ बोल के कि हमारे पास दो हफ्ते का, हमारे पास तीन, इनके पास कख नहीं है, ठीक है। ये मांगे तांगे के पैसे हैं, इनके खुद के पैसे नहीं है। और वो भी सऊदी अरब ने इस शर्त पे पैसे दिए थे कि बच्चे इसको खर्च मत करना, तुम्हें तुम्हारे खर्चे के लिए नहीं है, ये सिर्फ अपने फॉरन एक्सचेंज रिजर्व ऊपर तुम रख सको, दुनिया को दिखा सको इसके लिए। अच्छा, दूसरी चीज है कि IMF ने अभी उसको और आगे और आगे और आगे और आगे लोन को IMF ने मना नहीं करा। और आज मैं भी ये कह रहा हूं कि इनको IMF से लोन मिलेगा, जरूर मिलेगा। पाकिस्तान विल गेट IMF हेल्प, इसमें कोई शक नहीं है, आप भी मत रखिएगा अपने जहनों में शक। लेकिन लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान से ये लोग नाक से लकीरें निकलवा देंगे, तब जाके इनको पैसा देंगे। क्योंकि यही दैट इज व्हाट IMF wants। IMF कह रहा है तुमने 22 बार हमें झूठ बोला, 22 बार हमें चूना लगाया, अब नहीं, अब तुम पहले काम करोगे फिर तुम्हें पैसा मिलेगा। और जब IMF पैसा देगा तब इनका जो आयरन ब्रदर है, शहर से मीठा दोस्त चाइना, तब वो उसने बोला, चाइना ने बोला देखो पैसे में ना, पैसे में कोई यारी दोस्ती नहीं चलती यार। सऊदी अरब ने बोला कि यार तुमने ये मुसलमान मुसलमान तुसी भी मुसलमान असी मुसलमान ये कह के मैं बहुत तुमने थूक लगाया, बहुत चूना लगाया, सॉरी यार दूर जाके खड़ो, ठीक है। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी बोल दिया, तुर्की ने भी, सब ने हाथ जोड़ लिया इनसे कि यार इस्लाम के नाम पे तुमने जो झूठ बोला है, तुमने जो बकवास करी है, अब हमसे मत करो, क्योंकि हम तो बहुत फ्रॉड कर चुके हैं हमारे साथ। तो सब लोगों ने हाथ जोड़ लिया, बोला पहले IMF से बात करो, वो पैसा देगा तब हम पैसा देंगे, ठीक है। और ये बात हम पहले वाली वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं। अब ख्वाजा आसिफ ये कहता है कि जनाब पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है, और ये बात सच है, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने ऐसा क्यों बोला। दो दिन पहले का बयान है, नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज, ठीक है, नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ये कहती है कि मेरा इस सरकार से कोई लेना देना नहीं है। ये ख्वाजा आसिफ है कौन? ख्वाजा आसिफ बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि नवाज शरीफ का खास सगा है, और ख्वाजा आसिफ को ऐसा डिपार्टमेंट दे रखा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जिसमें बेचारा इसकी कदर एक कोई छोटे मोटे क्लर्क से ज्यादा नहीं है इसकी कदर। हिंदुस्तान में तो कई लोगों को यह नहीं पता कि ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान के, डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान का करता क्या है, वहां पे तो आर्मी चीफ करता है, वहां पे आर्मी चीफ करता है, नंबर टू का जॉइंट चीफ मिनिस्टर है, वो करेगा। इनका तो कोई लेना देना ही नहीं है डिफेंस से, बट ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर एरिक बुल का होता है, ख्वाजा आसिफ को बोल दिया कि भाई तू बन जा, वो बन गया, ठीक है, गाड़ियां मिल गई उसको 10-15-20 आगे पीछे चलने वाली, उसको ये मिल गया वो मिल गया, लेकिन इसके अलावा There is nothing absolutely with Khwaja Asif. अच्छा, Khwaja Asif वही बयान दे रहा है जो लंदन से बैठ के उसका मालिक नवाज शरीफ उसको बोल रहा है। दोनों भाइयों में हल्की सी दरार पड़ चुकी है, ये मेरा एनालिसिस है, राइट? और मैं ये मानता हूं कि एनालिसिस सही है मेरा, क्योंकि उसकी बेटी भी यही कह रही है नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ की बेटी ने बोला 48 घंटे के बाद अचानक इसका बयान आता है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर नहीं रहा, डिफॉल्ट कर चुका है। जो एक कैबिनेट मिनिस्टर है पावर में, जो देश का डिफेंस मिनिस्टर है, जो सरकार का हिस्सा है, एक कैबिनेट मिनिस्टर, वो ऐसी बात क्यों कहेगा, वो ऐसी बात क्यों कहेगा? देश के फाइनेंस मिनिस्टर तो ने ये नहीं बोला, इशाक डर ने तो अभी तक ही नहीं बोला, मामला तो उसका है ना इशाक डर का बोलने का, अगर किसी को बोलना चाहिए तो इशाक डर को बोलना चाहिए, इशाक डर बोल नहीं रहा, यह बोल रहा है क्यों? कहीं ना कहीं इन दोनों भाइयों के बीच में दरार है, और कहीं ना कहीं नून लीग में दरार है, और कहीं ना कहीं नवाज शरीफ वापस इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि अंदर ही अंदर कोई उसको खोखला कर रहा है। मैं आपका यहां पे टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, लेकिन ये जो अपने बेनिफैक्टर के साथ गद्दारी करना, ये पाकिस्तान का इतिहास है। मैं आपको दो तीन एग्जांपल देता हूं। नवाज शरीफ ने फौज के साथ गद्दारी करी, नवाज शरीफ को नवाज शरीफ बनाने वाला फौज था, पाकिस्तानी फौज ने नवाज शरीफ पैदा करा,
पाकिस्तानी फौज ने जुल्फिकार अली भुट्टो पैदा करा, ठीक है, पाकिस्तानी फौज ने इमरान खान पैदा करा, पाकिस्तानी फौज ने शहबाज शरीफ पैदा करा, ये सब जितने भी अपने आप को डेमोक्रेटिक पार्टीज कहते हैं, ये जो भी अपने आप को डेमोक्रेटिक लीडर्स कहते हैं, जो कहते हैं कि हम बड़े लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं, ये सब के सब पाकिस्तानी फौज की पैदाइश हैं, ठीक है, सब के सब पाकिस्तानी फौज की पैदाइश है, और ये इन्होंने सब ने पाकिस्तानी फौज को धोखा दिया है, सब के सब ने, ये मीर जाफरों का मुल्क है। मैं आपको बताता हूं एक और एग्जांपल, ये आज की तारीख में, ठीक है, इमरान खान जनरल बाजवा को गाली दे रहा है, इमरान खान से कोई पूछे कि भाई तेरे पास तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी थी नहीं, तुझे प्रधानमंत्री बनाया किसने, पूछे कोई उससे तुझे बनाया किसने प्रधानमंत्री, तू किसके आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बना, राइट, पूछो उससे, ये बोल नहीं पाएंगे, ये कहेगा लोगों का भरोसा था मेरे ऊपर, लोगों का विश्वास था मेरे ऊपर, फलाना ढंग का कख नहीं था। बात यह है कि जनरल बाजवा का फोन गया और ये छोटी छोटी पार्टियों ने मिलकर इमरान खान को सपोर्ट करा, इमरान खान प्रधानमंत्री बन गया, टोटल कहानी है। अब ये जो गद्दारी वाला सिलसिला जो चलता है ना पाकिस्तान में, मैं बता रहा हूं ये अपने के सगे नहीं है, यही चीज अब इनके नून लीग के अंदर हो रही है, ये चाहता मैं प्रधानमंत्री बना रहा हूं, कैसे भी मुल्क का टूटे फूटे मुल्क का वो कुछ भी हो जाए, लेकिन बड़े भैया की जड़ें काटने में ये लगा हुआ है, इमरान खान बाजवा की जड़ें काटने में लगा हुआ है, बाजवा किसी और की जड़ें काटने में लगा हुआ है, सब आपस में ही है, और एंड में जब इनका मुल्क बिल्कुल गड्ढे के अंदर जा ही रहा है और नीचे घुस जाएगा, हिंदू की साजिश थी, यहूदी की साजिश, मैं बता रहा हूं यही गाना इनने गाना है, असल बात यह है कि इनकी नीयत खराब है, ये बात सच है, किसी पाकिस्तानी को बुरा लगे तो भैया बुरा लगता रहे, सच यही है, सच झेलने का मादा रखो अपने अंदर, ठीक है। दूसरा, पाकिस्तान कॉल्स फॉर अफगानिस्तान कैपेसिटी बिल्डिंग टू काउंटर टेररिज्म एट म्यूनिक कॉन्फ्रेंस, ये बिलावल भुट्टो पहुंच गया म्यूनिक, म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होती है, म्यूनिक सिक्योरिटी डायलॉग्स बड़े मशहूर सिक्योरिटी डायलॉग्स होते हैं, दुनिया के बड़े बड़े लोग आते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये बिलावल भुट्टो गया क्यों यहां पर, ये किसको क्या देने गया है वहां पर, मुझे नहीं समझ में आता। इनका आसिम मुनीर है जनरल, ये जाता है यूके, हफ्ता भर रहकर आता है 5-6 दिन, राइट, फिर बिलावल भुट्टो 2-3 हफ्ते अमेरिका रहकर आता है, ये इनके पास पैसे नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है खाने के लिए, इनके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, ये लाखों डॉलर खर्च करके ये जो भाई है ये वहां पे जाता है और ये सब करता है, ठीक है। अब वहां पे म्यूनिक सिक्योरिटी डायलॉग में फिर ये मांगने के लिए शुरू हो गया मामला इसका कि अफगानिस्तान की हेल्प करो, अफगानिस्तान की हेल्प करो, अफगानिस्तान की हेल्प करो। पहले इसने बोला कि वहां के लोग ठंड है, वहां के लोग भूखे मर जाएंगे, वहां के लोगों का ये हो जाएगा, इसलिए पैसे दो, ठीक है, पहले के लोग ये बोलते थे शहबाज की सरकार, अब इन्होंने एक नया पैंतरा शुरू कर दिया कि वहां से टेररिज्म आ रहा है इसलिए वहां पर हेल्प करो। टेररिज्म तो तुम्हारे यहां से भी आ रहा है भाई, तुम्हारी हेल्प करते हैं, ये सब कुछ नहीं है कि मांगने के लिए गया है वहां पे, बस ये है कि 8 लाख रुपए के जूते पहनता है, 10 लाख रुपए का सूट पहनता है, 3 लाख रुपए की टाई पहन के और 20-25 लाख रुपए की गाड़ी पहनता ही है, क्योंकि इसके बाप के पास करप्शन का पैसा है, जरदारी के पास, तो अपने बाप के पैसे से ऐश करता ही है, सरकारी खर्चे पे गया, वहां पे रहा 5-स्टार होटल में, इसने स्वीट बुक करवाया, अय्याशी करेगा एक हफ्ता और पाकिस्तान की झोली में आएगा 0, ठीक है। ये बिलावल बार बार क्यों जाता है बाहर, मैं आपको बताता हूं क्यों जाता है, ये पाकिस्तान के लिए नहीं जाता, पाकिस्तान के लिए नहीं जाता, इसका नाना प्रधानमंत्री था जुल्फिकार अली, इसकी मां प्रधानमंत्री थी, ये फॉरेन मिनिस्टर है, ये तैयारी कर रहा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनने की, ये जो तैयारी कर रहा है कि आज से 5 साल के बाद 10 साल के बाद मैं पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनूंगा, इसीलिए सरकारी खर्चे पे कपड़े अपने बाप के पैसे, घड़ी अपने बाप के पैसे से और सरकारी खर्चे से बाहर जाओ, बाहर लोगों से मिलो, अपना सब कुछ वहां पे करो, अमेरिकनों के साथ बैठ के ऐश करो, वहां पे शेखों के साथ बैठो, इधर बैठो उधर बैठो, अभी म्यूनिक सिक्योरिटी डायलॉग में ये अफगानिस्तान का गाना गाने पहुंच गया है, वहां पे सीरियस डिस्कशन होते हैं, म्यूनिक सिक्योरिटी डायलॉग्स में सीरियस डिस्कशन होते हैं, ही इज द ओनली नॉन सीरियस पर्सन। ये डावोस गया, डावोस से क्या करके आया, इसने कौन सा पॉलिसी स्टेटमेंट दिया डावोस में, आप ये बता दीजिए, इसको सिर्फ ये बोला कि सबसे वेल ड्रेस्ड फॉरेन लीडर था, ये तो इनका एजाज हासिल है इनको, ये इनको चीजें हासिल है कि वेल ड्रेस्ड लीडर थे, ये इनकी औकात है, अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं लाया, कितने करोड़ों डॉलर इसने खर्च कर दिए अपने फॉरेन ट्रेवल्स पे, ये पाकिस्तान में रहता ही नहीं है, और उससे बोलो तुम लाए क्या डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान के लिए, क्या लाए, कख नहीं, 0, ठेंगा, ठीक है जी। अच्छा, हामिद मीर है पाकिस्तान के बड़े फेमस जर्नलिस्ट और बड़े नामी ग्रामी, उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर जर्नलिस्ट्स,
Pakistan has become the most dangerous country in the world for journalists, said senior Pakistani journalist Hamid Mir on Friday, and added that the state machinery had failed to protect scribes for raising facts and highlighting public issues. The government does not want factual news, but wants news only in its favor in the media. अच्छा हामिद मीर साहब को गोलियां भी लगी थी छाती में, तो हामिद मीर साहब एंटी एस्टैब्लिशमेंट रहे हैं. अब लोग कह रहे हैं कुछ कि प्रो एस्टैब्लिशमेंट हो गए हैं, कोई कुछ कह रहा है, वो पाकिस्तान में जितने वो जितनी बातें, ठीक है ना. लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इस बंदे ने गोलियां खाई हैं छाती में हामिद मीर में, तो ये बात तो हमें ग्रांट करनी पड़ेगी कि अगर इसको गोलियां पड़ी हैं आवाज उठाने के लिए, तो कहीं ना कहीं इसके मतलब कहीं ना कहीं तो सच सच बोलता है, सच्चाई है. वो असद तूर था, क्या नाम था एक पाकिस्तानी, वो लड़का सा था यूट्यूबर, उसको भी मार के उसका हाथ तोड़ दिया, और मतीउल्लाह जान को भी ये लोग उठा के ले गए, और काफी लोगों को पाकिस्तानी स्टेट ने, स्क्राइब्स को जो जर्नलिस्ट है उनको टॉर्चर करा. अच्छा पाकिस्तानी तालिबान ने ये बोला है कि हम और अटैक करेंगे. वेरी गुड, ये तो है ही टेररिस्ट ना, इनका तो काम ही यही है, हम और अटैक करेंगे. अच्छा लास्ट मंथ मोर देन 80 ऑफिसर्स वर किल्ड व्हेन अ सुसाइड बॉम्बर डेटोनेटेड इन एक्सप्लोसिव वेस्ट. ये जो पेशावर वाला वाकया हुआ था, द पुलिसमैन शुड स्टे अवे फ्रॉम आर वॉर विद द स्लेव आर्मी अदरवाइज द अटैक्स ऑन द सेफ हेवंस ऑफ टॉप पुलिस ऑफिसर्स विल कंटिन्यू, तहरीके तालिबान पाकिस्तान सेड ऑन सैटरडे इन एन इंग्लिश लैंग्वेज स्टेटमेंट. ये स्लेव आर्मी किसको बोल रहे हैं, गुलाम फौज किसको बोल रहे हैं, टीडीपी वाले गुलाम फौज किसको बोल रहे हैं, ये पाकिस्तानी फौज को गुलाम फौज बोल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी फौज पैसे लेके अटैक करती है, अमेरिका से पैसा लिया और यहां पे बम मार दिया, ये करती है पाकिस्तानी फौज, भाड़े की फौज है. इसीलिए याद है मैंने कल आपको क्या बोला था वीडियो पे, कल मैंने आपको ये बोला था वीडियो पे कि ये सिर्फ ट्रेलर है, ये सिर्फ ट्रेलर है, ये जो चल रहा है मामला पुलिस हेडक्वार्टर के जो अटैक का मामला है, ये सिर्फ ट्रेलर है, असली इनका ये 5 कोर पे अटैक करेंगे, 5 कोर हेडक्वार्टर कराची पे, मैं आपको आज बता रहा हूं. फिर पाकिस्तानी बोलेंगे मेजर साहब इसमें तो आपका भी हाथ है, लोग ऐसी फालतू बात करते हैं. लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज लॉजिकल टारगेट उनका वही है, कह रहे हैं स्लेव आर्मी, साफ कह रहे हैं ये आज नहीं कर पाएंगे तो अगले महीने नहीं तो 6 महीने बाद नहीं तो 1 साल के बाद ये करेंगे पक्का, ये आर्मी के ऊपर ही अटैक करेंगे, और बड़े शहर पे हो सकता है, लाहौर पे हो सकता है, इस्लामाबाद हो सकता है, कराची हो सकता है, हैदराबाद सिंध कहीं पर भी करें, लेकिन दे विल अटैक एन आर्मी लोकेशन, तहरीक तालिबान पाकिस्तान. ठीक है, जनरल आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी कह रहा है कि टेररिस्ट हैव नो रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल मूविंग्स. देखिए एक तो आसिम मुनीर साहब अच्छा नहीं लगता, आप बड़े सीनियर ऑफिसर है, मैं आपको यह तो नहीं बोलूंगा आप झूठ बोलते हैं, लेकिन सर झूठ मत बोलिए. ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ये टेररिस्ट का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान तो ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान में शरिया नाफिज करना, आप कैसे कह सकते हैं कि उनका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, वो तो खुद कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये कह रहा है कि पाकिस्तान का जो आईन है, पाकिस्तान का संविधान है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉड है, वो कह रहे हैं फ्रॉड है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अल्लाह के साथ गद्दारी है, पाकिस्तान में चोरी करके जो पकड़ा हुआ उसके हाथ कटने चाहिए, उसको जेल में क्यों डाल रहे हो. तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये कहता है कि पाकिस्तान के आईन को फाड़ दो और यहां पे शरिया नाफिज करो, वो तो इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, वो खुद कहते हैं हम इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं. ये भाई साहब आसिम मुनीर साहब ये कह रहे हैं कि नहीं इनका कोई रिलीजन से लेना देना, इनका पूरी तरीके से सिर्फ रिलीजन से लेना देना है. अब वो सही है कि गलत है, वो रिलीजन को मिस इंटरप्रेट करते हैं कि नहीं करते हैं, वो तो कोई जो इस्लाम का जानकार है वही बता सकता है, मेजर गौरव आर्या को इतनी नॉलेज है नहीं कि मैं बता दूं. लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज अभी किसी पाकिस्तानी ने लिखा था, मैं नाम भूल गया उनका यार, मैंने ट्वीट देखा था उनका बड़ा मजेदार, उन्होंने बोला है कि भाई जो पुलिस हेडक्वार्टर में अटैक हुआ है, कह रहे हैं जो अटैक कर रहे हैं वो भी अल्लाह अकबर बोल रहे हैं, जो उनके खिलाफ पुलिस वाले लड़ रहे हैं वो भी अल्लाह अकबर बोल रहे हैं, ठीक है, और जो बाहर भीड़ इकट्ठा है वो भी अल्लाह अकबर बोल रही है, तो अल्लाह किसकी साइड में, आप लोग खुद डिसाइड कर लो. तो आपस में कंफ्यूजन है पाकिस्तान में कि कौन मुसलमान है कौन मुसलमान नहीं है, सब लोग कहते हैं कि हम बेहतर मुसलमान हैं, और सबसे बड़ी लड़ाई पाकिस्तान में इसी चीज की कि कौन बेहतर मुसलमान है और कौन नहीं है. बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि बड़े बड़े लोग जो हैं आज पाकिस्तान में, ठीक है, बड़े बड़े लोग, उन्होंने पूरी जान लगा दी है टीटीपी को रीसेटल करने में. मैं आपको बताता हूं, ये भी प्याज वाला मामला है बड़ा, किस दिन बैठ के इत्मीनान से दोस्तों आपसे बात करेंगे कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये जो कहते ना इंडिया ने कर दिया, इंडिया ने कर दिया, भैया इंडिया ने तो उनको नहीं सेटल करा था पाकिस्तान के अंदर, ये तो इमरान खान, और अब शरीफ मजारी ये कह रही है कि भाजपा ने कराया, ये भी एक खेल है. शिरीन मजारी ने ये बोला है कि भाजपा चाहता था उनको सेटल करो पाकिस्तान के अंदर,
आर्मी चीफ बाजवा चाहता था। बात यह है कि उस जमाने में जब ये सेटलमेंट की बात हुई थी, बाजवा और इमरान खान सेम पेज पे थे और उन्होंने बोला कि साहब इनको अंदर सेटल करते हैं, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे। वो तो बाद में जब बाजवा ने इमरान खान को खड़काना शुरू करा तब एक दूसरे के ऊपर उन्होंने इल्जाम तराशी शुरू करी, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों ही लाए हैं। और तहरीक तालिबान जो पाकिस्तान है दोस्तों, ये इतनी खतरनाक तंजीम है और इतनी बुरी तंजीम है ना, ये इतने बुरे लोग हैं, इन लोगों ने पेशावर में बच्चे मारे थे। अब आप ये लगा लीजिए कि एक तो ठीक है आपने किसी मस्जिद में ब्लास्ट करिए कहीं पे, वो भी एक बहुत बड़ा जुर्म है अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, अगेंस्ट इंसानियत, लेकिन जो इंसान बच्चों को मार देना स्कूल के बच्चों, उससे बड़ा दरिंदा तो हो ही नहीं सकता, मेरी डिक्शनरी में उससे बड़ा दरिंदा हो ही नहीं सकता। उन दरिंदों को ये लोग कह रहे हैं कि इनको सेटल कर देंगे और इनको यहां पे लाओ और इनको पैसे दो और इनको रिट्रेन करो और डीरेडिकलाइज करो, ये इनका मामला है। अब आप समझ लीजिए ये लोग क्या खिचड़ी पक रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री और देश का आर्मी चीफ दोनों कह रहे हैं कि इनको सेटल करो आतंकवादियों को। अरे भाई आप तो ये कहते हो अभी तक कि भारत इनको पैसे दे रहा है, आप तो ये कहते हो कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान पूरा का पूरा अक्रॉस द बॉर्डर से इनकी फंडिंग आती है, आप तो ये कहते हो कि ये सब बड़ा इनको ट्रेनिंग श्रेनिंग ये सब एंडिया करता है, एंडिया करता है। अगर एंडिया करता है और ये एंडिया के एजेंट हैं तो आप उनको मारते क्यों नहीं हो, उनको दामाद बना के क्यों घर पे बैठा रखा है, ये तो बताओ पहले मुझे, यही तो बताओ कि भाई अगर इंडिया सब कुछ कर रहा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान तो तुम्हारे दामाद लगते हैं वो, तुमने क्यों बैठा रखा उनको वहां पे, मारो उनको जान से, भगाओ वहां से, न्यूट्रलाइज करो उनको। ये बता रहा हूं आपको पाकिस्तानी हर समय जब बात करेंगे ना, दे हैव अ फोक्ड टंग, जैसे फोक होता है ना इसके दो ऐसे सिरे होते हैं, इनकी फोक टंग है, इस ये इसके जबान है, जबान के दो हिस्से हैं इनके, एक हिस्से से कुछ बात करेंगे एक हिस्से से कुछ बात करेंगे, एक ही मुंह से इनकी दो बातें निकलती हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल बरखिलाफ बातें, ठीक है। इंडिया सपोर्ट भी कर रहा है और उनको सेटल भी करना है, इंडिया अगर सपोर्ट कर रहा है तो तुम्हारे दुश्मन है मारो उनको, इट्स सिंपल लॉजिकल बात है, खत्म करो उनको, चाहे वो पाकिस्तानी शहरी क्यों ना हो, है तो तुम्हारे गद्दार, खत्म करो उनको। अच्छा दोस्तों और खबर आई है, जयशंकर साहब ने जॉर्ज सेरोस को कर दिया जलील, बोला कि ओल्ड रिच एंड डेंजरस। जॉर्ज सोरोस को ना मुझे ऐसा, देखिए बात यह है कि मैंने फिर बोला था, मैं तो सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उसके पीछे पड़ जाओ, शहीद तो आ गए हैं ना, तो जहरी बात है, अब वो जहाज है हमारे शहीन है वो आ गए तो सब आ गए, सड़कों पर इसने आना होता तो अभी कितनी महंगाई हुई है, सड़कों पर आ जाते। हाँ सही बात है, क्यों नहीं आ रहे, आना चाहिए यार, आना चाहिए ना, बातें तो बड़ी करते हैं, काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, सारा पाकिस्तान सड़कों पे आएगा एक मिनट में, सब ठीक हो जाएगा, सब हाल हो जाएगा, बेचारे डरते नहीं आते क्या करे, सड़कों पर भी आएंगे तो मारी पड़ेगी उधर से, क्या मार पड़ेगी, कितनी गहरी बात है, मारी पड़ेगी, फोर्स कितनी होगी यार, 3 लाख होगी। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।